बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक नई रेसिपी, आलू और चिकन के कबाब की रेसिपी, जो बनाना बहुत आसान है और बहुत मज़े की बनती है। बच्चों बड़ों को बहुत पसंद है। रेसिपी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें हमें चाहिए बॉयल आलू। हमने इनको बॉयल कर लिया था। आधा किलो मैंने आलू लिए थे, साथ ही मैंने ली थी यहाँ पे हाफ के जी चिकन, जिसको मैंने बॉयल करके शर्ड कर लिया है। बच्चों को बहुत पसंद होती है ये कबाब और टी टाइम के लिए तो बेस्ट रेसिपी है। साथ ही हमने लिया है यहाँ पर हरी मिर्चें और धनिया। एक हमने ले लिए बड़े साइज की प्याज, जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया है। मसालों में हमें चाहिए 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून धनिया पिसा हुआ, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टेबलस्पून नमक और हाफ टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। बहुत मज़े की रेसिपी बनती है, ज़रूर ट्राई करना, अपने बच्चों को ज़रूर खिलाना, बहुत पसंद आएगी बच्चों को। साथ ही हमने लिए यहाँ पर 2 अदद अंडे, जिनको हमें फेंट लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये रेसिपी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर किया करें, कमेंट करके कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें और लाइक ज़रूर किया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम यहाँ पे आलू ले लेंगे और इनको मैश कर लेंगे फोर्क की मदद से। आप इनको ग्रेट भी कर सकते हैं। ये देखिए ये बॉयल हो चुके हैं, तो इसलिए इजीली मैश हो रहे हैं। ये देखिए हमने आलूओं को मैश कर लिया है। अब हम इसमें अपने तमाम मसाले ऐड करेंगे जो हमने आप लोगों से शेयर किए हैं। यहाँ पे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमें बहुत अप्रिशिएट करता है। साथ ही हमने इसमें ऐड कर दिए ग्रीन चिली, धनिया और जो हमने प्याज चॉप की थी वो। अब हमने इसमें ऐड किया है मैश चिकन, बॉयल करके इसको हमने मैश कर लिया था। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अगर आपसे फोक की मदद से नहीं हो रहे तो आप हाथ की मदद से आराम से मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए सारा बैटर हमारा मिक्स हो चुका है, बहुत मज़े का लग रहा है। अब हम हाथ पे थोड़ा ऑयल लगा लेंगे ताकि आलू चिपके नहीं, क्योंकि इनमें नमी होती है इसलिए ये हैंड पे चिपक जाते हैं। और अब हम 1 बाय 1 अपने कबाब तैयार कर लेंगे। ये देखिए कबाब तैयार हो रहे हैं, ये देखिए बहुत मज़े के लग रहे हैं और खाने में तो बहुत ही टेस्टी होते हैं। 1 बाय 1 अब हम सारे अपने कबाब तैयार कर लेंगे। मेहमानों को पेश करें टी टाइम के लिए बेस्ट हैं, और बच्चों को लंच बॉक्स में भी पेश कर सकते हैं। आप लोग बर्गर में डाल के उनको इजीली दे सकते हैं लंच बॉक्स में। अब हम अंडे ले लेंगे, जिनको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे क्योंकि इसमें टेस्ट आ जाए। ये
ये देखिए, आप इसमें ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने एक पैन ले लिया है और उसमें 1 कप ऑयल ऐड किया है और उसे गरम होने के लिए रख दिया है। अब हम 1 by 1 अपने जो कबाब तैयार किए थे उनको अंडे में डिप करके पैन में डालेंगे। इस पे आप ब्रेड क्रम भी लगा सकते हैं, उससे भी बहुत मज़े के कबाब तैयार होंगे और बहुत क्रिस्पी तैयार होंगे। ये देखिए 1 by 1 अब हम सारे कबाब अंडे में डिप करके पैन में डाल रहे हैं। अब हम इनको डीप फ्राई कर लेंगे। ये देखिए एक साइड से ये पक चुके हैं, अब हम इनको पलट लेंगे। सारे कबाब को 1 by 1 पलट लें। ये आप बना के फ्रीज भी कर सकते हैं, जैसे कबाब आपने बनाए थे उनको आप फ्रीज करके रख दें और जब आपके मेहमान आए आप फौरन से निकाल के तलें और पेश कर दें, बहुत मज़े के लगते हैं। ये अब फ्राई हो चुके हैं दोनों तरफ से अच्छी तरीके से। अब हम इनको निकाल लेंगे और डिश आउट कर लेंगे। तो आज की ये रेसिपी हमारी कैसी लगी आप लोगों को, उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।